मन को तो मौला फाजली मौला। कराची में वाक़ कसरे नाज में मारूफ शायर असद जाफरी के नाम पर शाम मनाई गई। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक फाउंडेशन की जानिब से किया गया, जिसकी सदारत ZH खुर्रम और मेज़बानी मोहम्मद अब्बास शाह ने की। तकरीब में साबिक गवर्नर सिंध जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर शहर भर से सहाफ़ियों और शौरा कराम की बड़ी तादाद शरीक हुई। देखते हैं मारिया हैदर की खसूसी रिपोर्ट। गुजारिश करूंगा सर जाफरी साहब से कि वो आप लोगों की अपनी कुछ गुजार करें। खबर लेने फराश हूँ और कुछ अदालत में मुबतला हूँ और लोगों के मोहब्बतों को आजमा रहा हूँ, तो ये मेरे पास आए और इन्होंने जिस न्याजमंदी से इस मनसब के लिए मुझे आमादा किया, अब मेरी अदबी बेसरोसा मानी का बुरा हो। प्रोग्राम में असद जाफरी साहब से मुलाकात हुई, इनका संजीदा कलाम भी सुना, मज़ाहिया कलाम भी सुना, बहुत सुस्ता, बहुत अच्छी महफिल रही, बहुत अच्छे शरीक थे यहाँ पर लोग, और डॉक्टर आलिया इमाम साहबा यहाँ थी, शहजादा जमील साहबा यहाँ थी, बहुत ही पुरलुत्फ शाम थी और खुशी। जो आज मैंने अटेंड किया है ये बहुत कम होने लगे, मगर ऐसे प्रोग्राम हो और नई जनरेशन को बुलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनको अवेयरनेस होगी सब चीज़ों की। जहाँ इल्म दानिश के चिराग बुझाए जा रहे हैं, जोश की जगह जामुन की दुकानें सजाई जा रही हैं, किशन चंदर की जगह ककड़ी बेची जा रही है, फैज़ की जगह फालूदे की दुकानें मौजूद हैं, ऐसे हालात में ऐसे दिल शकिस्ता कर्बनाक और हसरतनाक माहौल में चंद अदीबों दानिश्वरों का बैठ जाना मौजे से कम नहीं, इसलिए कि और उनके संजीदा अशार में हमारे माशरे की वो तमाम कर्बनाक वाक़ियात और हादसात और सानहात अपना इजहार करते हैं पूरी शिद्दत के साथ। मज़ा में फक्कड़पन का रिवाज बहुत आम है, सतह से नीचे गिरी हुई शेर कहे जा रहे हैं, मगर असद जाफरी के यहाँ जिस मेयार के अशार हैं, जैसे खूबसूरत अशार हैं, उनको सुनने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि इस अहद में अगर मज़ा के हवाले से जिन दो चार लोगों को हम सफ़े अव्वल के शोरा में शामिल कर सकते हैं तो वो जनाब असद जाफरी साहब हैं। मुझे दुख इस बात का हो रहा है। और आज की जो शायरी थी असद जाफरी साहब की, उसमें मज़ा भी था और आजकल के हिसाब से जो लोग इतने डिप्रेशन में हैं, ये सुन के दिल हल्का हुआ, मज़ा आया, और फिर शायरी ऐसी थी कि सबको समझ में भी आ रही थी। तो ऐसी महफ़िलें बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि ये कम होती जा रही हैं, हम अपने उर्दू अदब से दूर होते जा रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है जो सीनियर्स हैं उनको इसी तरह मान देना चाहिए, इसी तरह उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि जो और लोग लिखने वालों में शामिल हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो और वो समझें कि जो लिखने वाले लोग हैं ये भी मुआशरे के इंतहाई अहम फ़र्द हैं। दोस्तों से भी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा प्रोग्राम था, एक बहुत अच्छी गेट टुगेदर थी, तो मैं समझता हूँ इस तरह के प्रोग्राम जो है होने चाहिए और हमारे जो शोराए कराम हैं उनको सुनना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, उनके साथ हमें बैठना चाहिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस तरह की उनने शायरी की उससे जो है ना वो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं समझता हूँ कि ZH खुर्रम साहब आज का प्रोग्राम खुर्रम साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंज किया था और इसमें असद जाफरी साहब की शायरी माशाल्लाह माशाल्लाह दिल बाग बाग हो गया। जितने भी लोग इनवाइटेड थे उन सब ने बहुत इंजॉय किया और माशाल्लाह डिनर भी बहुत अच्छा है। मुस्कुराना सीखें, हमें लोगों को मुस्कुराने की तरफ वापस लाना है, क्योंकि मुस्कुराने से इंसान की सेहत भी अच्छी रहती है और वो जो मसाइल की एक टेंशन होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, डिप्रेशन से निकल आता है इंसान, क्योंकि मसाइल तो ख़त्म नहीं हो सकते ना, लेकिन उनकी हम
शिद्दत को कम कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की तकरीबात होनी चाहिए जिसमें ऐसे शायरों को बुलाया जाए जो मिज़ा लिखते हैं, ताकि वो अपना मिज़ा सुनाए तो लोग कह के लगाते हैं, हंसते हैं। तो हमारा तमाम जो थे सामीन वो सब अदब शनास थे और उन्होंने मेरा कलाम बड़ी मोहब्बत से सुना और मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि आम तौर पर मुशायरों में जहाँ शायर जाते हैं तो उन्हें इतनी मोहब्बत से नहीं सुना जाता, क्योंकि शेर सुनने के लिए एक ख़ास ज़ौक चाहिए और वो ख़ास ज़ौक जो है आज के दौर में नाजा। मैं खुदारा गुजारिश करता हूँ इस मुल्क के चलाने वालों को कि उन लोगों को खुद सेलेक्ट करें, उनके घर जाएं जिनकी इस मुल्क में खिदमात है और उनको उनके शायाना शान जाके उनको सरप्राइज़ दें कि सर आपका नाम आपकी खिदमात की बुनियाद पे इस साल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में तमगा इम्तियाज़ में रखा गया। दुनिया में वो लोग ही ज़िंदा रहते हैं जो खैर का काम करते हैं। असद जाफरी जैसे शायर अदीब दानिश्वर जो हैं इनके एजाज़ में इस किस्म की तकरीबात होनी चाहिए, ताकि जो हमारी नई जनरेशन है, जो यूथ है ख़ास तौर पे, वो भी उनको भी पता चले कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े अच्छे शायर और दानिश्वर यहाँ मौजूद। मशाद मनियाज़ी कव्वाल और आपके सामने कौल मुख्तसर पेश कर रहे हैं। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, फाज़ली मौला, अरे हा फाज़ली